हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि पंड्या शर्मा टिनटिन फिल्म एडवेंचर्स के हेल्थ कल्चर लाइव शो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीतू सिडाना से आपको मिलवा रहे हैं, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेजर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आजकल लोग बाग ब्यूटी कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तो ये बताइए कि फेस को रोज फेस वॉश या साबुन से धोना चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि अपने को रोज़ सोप से चेहरा धोना है या रोज़ फेस वॉश से चेहरा धोना है। इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन कैसी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, जैसे कि टीनेजर्स की होती है, तो वो रोज़ सोप यूज़ कर सकते हैं, दिन में 2-3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ड्राई है पहले से ही, तो आप और अगर सोप या फेस वॉश से उसको धोएंगे तो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। फेस वॉश और सोप में क्या अंतर है? विज्ञापनों में दिखाते हैं कि सोप से फेस धोने से खराब हो जाता है और फेस वॉश से अच्छा हो जाता है। नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली मनी मेकिंग प्रोसेसेस हैं जो कि एडवर्टीजमेंट्स में दिखाए जाते हैं कि अपने को फेस वॉश से रगड़ के चेहरा धोने से फेस बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कार्बन डाला गया है जो कि डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा। स्किन के पास खुद का प्रोसेस होता है अपने आप को क्लीन करने का। उसमें सीबम होता है, निकलता है सीबेशियस ग्लैंड से, जो कि खुद ही अपने डर्ट को बाहर निकाल देती है स्किन। तो लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जस्ट एक माइल्ड सोप भी आपको क्लीन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि फेस वॉश से जब तक अपन रगड़ रगड़ के चेहरा नहीं धोएंगे जब तक स्किन साफ़ नहीं होगी। स्किन अपने आप को खुद ही क्लियर करने की कोशिश करती है। स्किन हर महीने शेड होती है, हर महीने नई स्किन आती है अपनी। धूप में बाहर जाते टाइम क्या सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए? सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये दोबारा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सपोजर कितना है सन के लिए। अगर आप सारा दिन इंडोर हैं, बाहर का आपका कोई काम ही नहीं है, तो आपको सनस्क्रीन लगाने का कोई तुक नहीं है। अगर आप बाहर जा रहे हैं और वो भी 9 बजे से 3 बजे के बीच में, तब आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है। और सनस्क्रीन का आधा घंटा पहले लगाना चाहिए बाहर निकलने से पहले। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने सनस्क्रीन लगाया और आप तेज़ धूप में चले गए तो सनस्क्रीन आपको बचा लेगा। आधा घंटा पहले सनस्क्रीन आप लगाएंगे, वो स्किन में अब्जॉर्ब होगा, तभी वो आपको सनरे से प्रोटेक्ट करेगा। डॉक्टर साहब, ऐसा कहते हैं कि तेज़ लाइट्स के अंदर या किचन में हीट के पास जाते समय भी सनस्क्रीन को यूज़ करना चाहिए? नहीं, ये मिथ है। इसमें अंदर की लाइट से या हीट से स्किन कभी ख़राब नहीं होती है, रादर हीट में पसीना आता है जिससे कि सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं बाहर। डॉक्टर साहब, स्किन पर मॉइस्चराइज़र कब लगाना चाहिए? स्किन पे मॉइस्चराइज़र बेसिकली स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए है। अगर आपकी स्किन पहले से ही मॉइस्ट है, इतनी ऑयली है, तो आपको मॉइस्चराइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है, फ्लेकी हो रही है, फट रही है, होंठ फट रहे हैं, स्किन फट रही है, तब आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र कब लगाना चाहिए, दिन में, रात को या गीली स्किन पर? मॉइस्चराइज़र बेसिकली जब आप नहा के आते हैं तो एक बार आपके सारे ऑयल्स स्किन से निकल जाते हैं, उस टाइम आपको स्किन को मॉइस्चराइज़ करना चाहिए। मॉइस्चराइज़र लगाने का बेस्ट वे है कि आप अपनी स्किन को गीला करें पानी से, अपने हाथों को भी गीला करें, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लें और उसको दोनों हाथों पे फैला के पूरे फेस पे अच्छे से रब कर लें। और अगर आपके दोबारा आप शाम में वॉश करते हैं या रात में दोबारा अपना फेस साबुन से धो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि फिर से स्किन ड्राई हो गई है, तो मॉइस्चराइज़र दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि अपने को मॉर्निंग और नाइट दोनों में मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्किन। बालों में शैम्पू कब और कैसे यूज़ करना चाहिए? शैम्पू अगेन ये डिपेंड करता है कि आपके बाल कितने गंदे हैं। जैसे लड़कों को तो डेली शैम्पू यूज़ करना चाहिए, इवन लड़के दिन में 2 बार भी शैम्पू कर सकते हैं, क्योंकि उनका सीबम सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है और उनको पसीना भी ज़्यादा आता है और उनका आउटडोर एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। तो लड़कों को तो बेसिकली रोज़ या दिन में 2 बार शैम्पू यूज़ करना चाहिए, लेकिन लड़कियों पर ये अप्लाई नहीं होता है। अगर आपका इनडोर काम है, इतना पसीना नहीं आ रहा है, बाल साफ हैं, तो आपको रोज़ शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है, ट्वाइस ए वीक भी सफिशियंट है। स्किन को अच्छा और फ्रेश रखने के लिए क्या डाइट लेनी चाहिए? बेसिकली जो न्यूट्रिशियस डाइट है वही लेनी चाहिए स्किन के लिए भी। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल, सलाद, दूध, दही, अंडा, पनीर सब लेना चाहिए। स्किन के लिए कोई एक्सरसाइज भी होती है जिससे कि वो फ्रेश और अच्छी दिखे? स्किन के लिए आप जो बेसिक 30-40 मिनट्स की डेली एक्सरसाइज करते हैं वही स्किन के लिए भी सफिशेंट है। बेसिकली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, मीनोपॉज आता है, आपकी स्किन पे झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, झाइयाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आप इतनी एग्रेसिव एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं जिसमें कि फेस की स्किन पे भी असर आ रहा है। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज एजिंग के लिए बताई भी जाती हैं जो आप कर सकते हैं जिससे कि एजिंग कम हो।
आजकल बाजार में एंटी एजिंग और या रिंकल लिफ्ट क्रीम्स आ रही हैं, क्या वो यूज़फुल हैं? देखिए, जितना हो सके कम से कम कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए. आपकी स्किन को ब्रीथ करने के लिए हवा चाहिए. अगर आप उसको ढक लेते हैं पूरा मेकअप लगा के कॉस्मेटिक से, तो स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है. उसमें पिंपल्स होते हैं, उसमें छाइयाँ होती हैं, निशान आने लगते हैं. तो जहाँ तक हो सके कम से कम कॉस्मेटिक्स यूज़ करना चाहिए. फिर भी कईयों का प्रोफेशन ऐसा होता है कि उनको कंसील करना ही पड़ता है, तो उसके लिए बाज़ार में बहुत अच्छे कंसीलर्स अवेलेबल हैं जिससे कि झुर्रियाँ छाइयाँ छिपाई जा सकती हैं. और जो एंटी एजिंग क्रीम्स होती हैं उनमें एक रेटिनोइक एसिड पाया जाता है जो कि अच्छा माना जाता है कि एजिंग को कम करने में हेल्पफुल होता है. वो क्रीम्स आप यूज़ कर सकते हैं. स्किन की पिगमेंटेशन को दूर करने का काम डर्मेटोलॉजिस्ट का है या ब्यूटिशियन का? स्किन रिलेटेड देखिए जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट का ही काम है. आजकल ब्यूटी पार्लर्स में और एडवर्टीजमेंट्स में बहुत सारे क्रीम्स, शैम्पूज, लोशंस बताए जाते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं स्किन के लिए. हमारे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने कि ब्यूटी पार्लर से ट्रीटमेंट लिया पिगमेंटेशन के लिए, बालों के लिए, और बिल्कुल इरिवर्सिबल स्टेज पे पहुंच चुके हैं. अब हम भी उनको ठीक नहीं कर सकते. इसलिए कोई प्रॉब्लम है तो पहले स्किन स्पेशलिस्ट से ही कंसल्ट करना चाहिए. डॉक्टर साहब, जनरली देखा गया है कि स्किन डिजीज़ का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है और जल्दी से ठीक भी नहीं होता. कई बार तो पेशेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं कि बीच में ही ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं. ऐसा नहीं है. स्किन की कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो रेकरेंट होती है, जैसे एक्जिमा है, सोरियासिस है, विटलिगो है. ये रेकरेंट बीमारियां हैं. इनका कुछ मतलब ट्रीटमेंट करके इनको सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि स्किन की सारी बीमारियां रेकरेंट ही हैं. बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ये बिल्कुल ट्रीटेबल हैं और सही टाइम रहते अगर उनका उपचार किया जाए तो वो बिल्कुल भी रेकरेंट नहीं होती हैं. अगर लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो क्या वो भी स्किन पर इफेक्ट करता है? हाँ, डेफिनेटली स्ट्रेस हर शरीर के हर ऑर्गन पे इफेक्ट करता है और स्किन सबसे पहला ऑर्गन है शरीर का जो उसमें दिखाई देने लगेगा स्ट्रेस. सबसे पहले आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आएंगी, क्रोज आई जिनको हम बोलते हैं, जो कि आँखों के पास झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लिप्स के आसपास झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ये सबसे पहले दिखाई देंगी अगर आप स्ट्रेस लाइफस्टाइल है अगर आपका. तो आँखों के नीचे काले घेरे होना, हाँ, आँखों के नीचे काले घेरे पड़ना बहुत ही कॉमन है. रात में ठीक टाइम पे ना सोना, ज़्यादातर कंप्यूटर मोबाइल पे रहना, स्ट्रेस करना, ठीक से डाइट ना लेना, ये सब कॉमन फैक्टर्स हैं जो लीड करते हैं डार्क सर्कल्स को. स्किन को अच्छा और फ्रेश रखने के लिए पानी का भी कोई रोल होता है क्या? हाँ, डेफिनेटली 8 से 10 ग्लास पानी पीना रोज ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड रहेगी तो एकदम श्रंकन रहेगी, सूखी लगेगी, ड्राई लगेगी. आप वेल हाइड्रेटेड हैं तो आपकी स्किन सॉफ्ट एंड सपल रहेगी, उसमें ग्लो रहेगा. जैसे बॉडी का जनरल चेकअप होता है उस तरह स्किन का भी कोई चेकअप होता है? स्किन के लिए कुछ अलग चेकअप्स होते हैं. अगर स्किन में कोई इन्फेक्शन है तो उसका हम लोग कल्चर करते हैं, स्टेनिंग करते हैं पता लगाने के लिए. और इसके अलावा भी नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं ब्लड के, हीमोग्लोबिन, थायराइड वगैरह, ये भी टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए. क्योंकि जैसे थायराइड है किसी को तो उसकी स्किन ड्राई होने लगेगी, हीमोग्लोबिन कम है तो भी उसकी स्किन में ग्लो चला जाएगा, पिगमेंटेशन अपीयर कर जाएगा. इसलिए टेस्ट रेगुलर बेसिस पे कराते रहना चाहिए. आजकल बाजार में गोरे होने की क्रीम्स आ रही हैं, क्या ये वाकई गोरा बनाती हैं या स्किन को ख़राब करती हैं? नहीं, ये मिथ है कि ये गोरेपन की क्रीम्स जो हैं ये लगाने से आदमी गोरा हो जाता है. ऐसा कुछ नहीं है. जो स्किन का कम्प्लेक्शन रहता है उसको 19-20 ही आप साफ कर सकते हैं. ऐसे काले आदमी को गोरा नहीं बनाया जा सकता है गोरेपन की क्रीम से. जस्ट आप स्किन को साफ रखें, अच्छी डाइट लें, अच्छी एक्सरसाइज लें, स्किन पर ग्लो बना रहता है. ये क्रीम्स बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होती हैं उसमें. आजकल ये लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में बहुत कुछ सुनने में आ रहा है, ये लेज़र ट्रीटमेंट होता क्या है? हाँ, स्किन के लिए आजकल बहुत सारे लेज़र्स अवेलेबल हैं. अलग अलग तरह के लेज़र्स अलग अलग काम करते हैं. जैसे एक अनवांटेड हेयर रिमूवल का लेज़र आता है कि जो आपके शरीर पे अनचाहे बाल हैं वो हटाए जा सकते हैं उस लेज़र से. उसमें 6 सिटिंग्स होती हैं, जब हर 1-2 महीने में एक सिटिंग की जाती है. उसमें जिन हिर्सुटिज्म जैसे अनचाहे बाल होते हैं उसमें बहुत सारे शरीर पे उसको हटाया जा सकता है. इवन नॉर्मल हेयर से भी अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो, बाजू के, टांगों के, अंडर आर्म्स, बिकनी एरिया, तो भी उस पर ये लेज़र किया जा सकता है. एक लेज़र टैटू रिमूवल के लिए आता है. जैसे टैटू बनवा लिया बाद में आपको नहीं ठीक लग रहा तो उसको उससे हटाया जा सकता है, तो क्यू स्विच लेज़र बोलते हैं. एक लेज़र स्कार्स के लिए आता है. कोई आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं, कोई स्कार्स हैं, बर्न्स हैं, उसको ठीक किया जा सकता है. ऐसे बहुत सारे लेज़र्स मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं और ये काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं इन बीमारियों से छुटकारा पाने में. चोट से कोई निशान बन जाते हैं या स्कार मार्क्स होते हैं
तो क्या वो भी इस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं? हाँ, ये लेज़र से ठीक किया जा सकता है। इसमें सिटिंग्स लगती हैं, डिपेंड करता है आपका स्कार कितना डीप है, उसके हिसाब से उसकी सिटिंग्स कितनी रिक्वायर्ड हैं, और इससे ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अब एक और सवाल, अगर किसी का नॉर्मल लुक हो और उसे अगर सुंदर बनाना हो तो फिर? कुछ हद तक बनाया जा सकता है, जो उसके बेसिक फॉल्ट्स हैं उसके फेस पे, उसको अगर कम कर दिया जाए तो एक हद तक पेशेंट को सुंदर बनाया जा सकता है। अगर हमारा ये शो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं।